लग रहा है शादी के पहले आता है सीजन शादी डॉट कॉम का आज ही डाउनलोड कीजिए ब्रिज मोहन मिश्रा यानी पंडित बिरजू महाराज कथक के लखनऊ काल बिंदा का बिंदादीन घरानी की मशाल था में अच्छन महाराज के ये बेटे जब 1938 में पैदा हुए तो नाम रखा गया जिसे बाद में बदलकर किया गया ब्रिज मोहन जो भगवान कृष्ण का भी एक नाम है तीन साल की उम्र से ही बालिक की गोद में बैठे बैठे बिरजू तिहाई और टुकड़े गाने लगे ये जाने बगैर की उनके मायने क्या है बिरजू से पंडित बिरजू महाराज तक के सफर में हर मोड़ नया सुर नई नय ताल और घुंग की झनकार से गूंजता रहा वक्त के साथ लय और ताल में मेल बैठाते बिरजू महाराज आज है हमारे रूपरे पंडित बिरजू महाराज नृत्य की एक जीती जागती तस्वीर ये खुद हैं, लेकिन सिर्फ नृत्य ही नहीं हर फन मौला है आप तबला बजाते हैं आप गा... मैंने आपको खुद सुना है ठुमरी गाते हुए होली के दिन सितार कितने बाजे आप बजाते हैं ऐसा है मैं जब भी संगीत भारती में था शुरू की नौकरी मेरी यानी मैं केवल चौदह साल का उस वक्त मैं मास्टर हो चुका था महाराज नहीं था लेकिन मास्टर था तो सुबह का रियाज सुबह समझिए आप चार बजे मैं उठ जाता था अम्मा से कहता था अम्मा अब, अब मैं जा रहा हूँ रियाज़ करने स्टोर रूम में आ, मैं अपना रियाज करूँ बत्तियाँ बुझा देता था ताकि मुझे पर्दा भी हिलता ना दिखे दरवाजे ना दिखे कुछ केवल दिखे तो घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़े और मैं अंधेरे में अपना नाचता रहा हूँ तो उस घुंघरू के साथ मैं एकदम तन्मय होकर नाचता रहा जब जब फिसलने लगूँ तो लगे नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही नाच लिया है पसीने आ गए मुझे तब तो मैं जलाऊं और देखूँ तो फर्श के ऊपर पसीना है फिर मैं पहुँच पाँच के फिर उस स्टोर रूम में हर प्रकार के साज रखे रहते थे सरोद भी सितार भी तबला भी पखावज भी और गिटार भी तो जिस पे नज़र मेरी पड़ जाए कि यार थोड़ी देर आराम करके मतलब नाचत तो चुका हूँ कुछ उठा लेता हूँ तो हाथ में आ गया कभी सितार आ गया तो मैं हे सितार देखने लगा कभी नज़र पड़ गई उसके गिटार पे तो गिटार के ऊपर हम हाथ अच्छा उसमें बजने भी लगा मैंने सोचा ये तो ये तो फिल्म का गाना बज रहा है मुझसे इसके मतलब बज सकता है मुझसे बड़ी कृपा भगवान की कि पता नहीं जिस मेरी उंगलियों से जो भी साज छूता हूँ वो आके बजाते हैं बस मेरे हाथ को ले लेते हैं वो बजाते हो जैसे मैं बचपन में करीब करीब जिस वक़्त मैं बारह ग्यारह दस साल तो मैं तमाम फिल्म के गाने गा लेता था खूब अच्छी तरह अच्छा हारमोनियम भी बजने था। उन, उन दिनों में कौन से फिल्म के गाने तो थे? वो, वो सुरैया के गाने थे जी वो दिल से? दिल लेके चले तो नहीं जाओगे राजा जी इस तरह के बहुत बहुत ढेर सारे गाने थे और एक वो बड़ा अच्छा लगता था मेला का वो हीरोइन को पुकारता है धरती को आकाश पुकारे आजा आजा प्रेम दुआ रे हे आना ही होगा तो ये मुझे इतना अच्छा लगता था और मैं इसको जरूर कभी कभी गुनगुनाता था अब वो दिलीप साहब के एक फिल्म का गाना था गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के पिया घर जाना सजन घर जाना ये मैं बेहद अच्छा महल्ले के लोग इतने खुश हों कि मैं हारमोनियम पे उसका म्यूजिक भी बजा देता था डिटो फिल्म की तरह लगता है तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे तो आ गया बहुत अच्छी गाते है सुना? सुना। <laughs> मसलन वही आंखें वही मस्ती के छलकते साकर। वही दु दीदा ही वही पैखान नजर वही आँखें वही लफ्ज़ों पे या जुबान पे हम लोग नहीं जाते इंसान के बनाए हुए तमाम जो वर्ड्स हैं शब्द हैं वो कहाँ के हैं कौन से हैं भावना तो इंसान की है वही प्यार वही मोहब्बत वही नफ़रत वही चीज़ें भरी हुई हैं जिंदगी में हुँ, हुँ, तो वो चाहे उर्दू की गज़ल हो या हिंदी की हो या अगर रविंद्रनाथ टैगोर की भी चीज़ें की मैंने त्यागराज की भी की तो मुझे दिक्कत ये नहीं होती है सिर्फ समझ में ये होता है कि समझदारी अगर हो गई तो कर दिया आपने होली का दिन था हुँ, 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 आप बैठे हुए थे भाव सिर्फ हो रहा था और आप कृष्ण रूप और बना बनारस की ठुमरी वो साहब मैंने इतनी अच्छी ठुमरी ना सुनी है और ना देखी है जी हाँ। वो उसके एक दो बोल बताऊ हाँ, 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 एक कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी काना हाँ में तो से हारी ए छोड़ो सारी कान्हा में तो से हारी. ए छोलो सारी कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी सुनो बिहारी नहीं मैं दूंगी तोहे गारी सुनो बिहारी नहीं मैं दूंगी तोहे गारी कान्हा में तो से ए, छोड़ो सारी, हाँ में तो से वाह 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 वा, वा। एक आदमी के अंदर इतना ज्यादा हुनर जी कूट कूट के भर दिया गया हो ये तो बहुत ही अनफेयर है साहब <laughs> एक तो आप खुद इतने बड़े नृत्यकार जी जी जी। फनकार और उसके बाद एक उस्ताद ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है तालीम जब देता हूँ तो उस तालीम को देने में मेरे दस दफ़ा हाथ उठते हैं ये कलाई यूँ घुमाओ ये उंगली ऐसे करो ये घूंघट यूँ पकड़ो यूँ खींचो यूँ पकड़ो और देखो या ये हाथ यहाँ से आया इसको घुमा के ही लाना ऊपर बांसुरी कृष्ण आ जाएंगे यूँ ही घूंघट खींचना यूँ पलट के देखना ये तो उनके बताने में कम से कम बीस दफ़ा मैं समझाता हूँ मेरा अपना रियाज होता रहता है मैं कहता हूँ बड़ा फ़ायदा है उनको समझा रहा हूँ अपना फ़ायदा हो रहा है तिथाई और टुकड़ा इनमें बुनियादी अंतर क्या है तिहाई देखिए तिहाई का शब्द है कि तीन बार वो दो, तो, कहा जाता है कुछ भी तेरे कहते निधा तरे कथे कहते निधा तरे कहते कदि के निधा इसकी इसका जीवन इतना ही बड़ा है इसकी जो मापदंड है जो मेजरमेंट है वो बहुत बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता फुर्ण... पर टुकड़ा जैसे शुरू होता है उसकी लंबाई थोड़ी सी जैसे तथ तथ तिरकृत तिरकृत तत तिरकृ, तरत तरत तत थत तथिर तिरकृत सही ताकृत सही ता चक्कर इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है इसके मानी क्या है हमारे जो हफ्ता के मोमेंट आते हैं ना उसके अंदर जो दिशाएँ हैं ना कि मैं इस दिशा में हाथ फेंक के ऊपर की तरफ गया नीचे गया यूँ गया जो आकृतियाँ खींचती हैं बॉडी के अंदर क्रांत खींचा ताधा खींचा तो जो आकृतियाँ खींचती हैं ना तो आकृतियों में एक बड़ा रोचक वो रहता है खिंचाओ पर हम लोग ये बताते हैं कि तधा है कहीं देख वो गैन तधा भी है क्रांधा यहाँ है तो हम लोग उन शब्दों को पकड़ा यूँ जोड़ा और एक माला बना दी क्रांधा दा धा घिन तधा कृदा चिटकथक गिन धान दान एक उस अच्छी सी माला बना दी अब वो छोटी माला बनी या बड़ी माला बनी उसी को कहा ये टुकड़े हैं थोड़े टुकड़े हैं जी तिहाइयाँ बन गई छोटी सी इस तरह से ये जो शब्द आते हैं ना और परन शब्द भी आ जाता है परन का शब्द जो है वो पखावत जो भारी शब्द हैं

ये फर्क नॉर्थ और साउथ के अरिथमेटिक में जहाँ जी जहाँ है ना ये है वो क्या है गूंज जिसको कहते हैं हमारे तबले के आए हाथ पड़ेगा तंग ऐसा उनके जो मृदंगम में है जो मृदंगम तो कहलाता है तो मतलब जो साउंड्स हैं वो थोड़े फैलते नहीं हैं तो क्या होता कि कर्स है, है कि जो कट्स सुनाई पड़ते हैं एकदम जैसे कहते हैं कि बिल्कुल बारीकी से बना रखता ठीक ठीक ना मतलब जो कट्स हैं ना उनके बहुत वैसे हमारे यहाँ जो है बिल्कुल उसके अंदर पूरे लिरिकल पूरे बॉडी के अंदर से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है कि वो ये ये गया ये गया को तोड़ मियाँ खुसों के टाइम तो से अमीर खुसरो के जमाने में अमीर खुसरो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप तक पहुँचा उनकी जो खोज थी संगीत में भी और तरहना वगैरह जैसे बहुत कुछ था तो उस वक़्त से ये तबला कहा ईजाद हुई और उन्होंने सितार भी सितार भी कई चीज़ें उन्होंने सोची बाबा हरिदास हमारे वृंदावन के जिनके तानसेन भी शागिद बेजुबारा भी शागिद तो ये खोज चलती रहती है कहाँ से जैसे गंगा बहती है ना पावे की तरह हमारे पिताजी और बाबा के टाइम से यूँ बही हमने थोड़ा सा उसको यूँ मोड़ के इधर भी दे दिया हम अब हमारे बेटे शायद उसको मोड़ के उस तरफ ले जाएं सोलो परफॉर्मेंस के लिए है कथक आपने उसको उसको वुसत दी जी आपने उसको एक और नया रूप दिया जी जी बुजुर्गों ने बहुत काम किया है इसमें कोई शक नहीं यहाँ तक लाके मुझे दे दी, दी हाथ में कि बेटा देख इन चप्पू हाथ में दे दिया अब नैया आगे बढ़ा ये उन्होंने काम किया नहीं तो मैं तो नाव नाव खोजता रहता कि नाव कहाँ है उन्होंने नाव तो दे दी तो चप्पू दे देख चल आगे आँख खोल के देख क्या है तो वो उनकी बड़ी कृपा रही कि मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद कि मैं बढ़ा तो मुझे रोशनी मिलती रही और मुझे एक बड़ा शौक़ था कि मैं जब इशारा करूं तो पचास डांसर जो मैं इशारा करूं वही हो ये पता नहीं बचपने की एक शौक़ हमारी थी तो मालिक ने पूरा किया आपने जो इनोवेशन किया नई नई चीज़ें जो आपने पैदा दे, की दे। उनमें बैल ख़ास चीज़ है ये आ, आप ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास बचपने में फिल्म देखता था फिल्म शो तो उसमें आ, मैं देखता था ऐसे कुछ इकट्ठे सब नाच रहे हैं ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मतलब नरगिस और तो सुरैया के ज़माने की तो उसमें देखूँ कि कई लोग नाच रहे हैं चाहे वो अंग्रेजी नाच रहे हैं डांस या कैसा तो मैं सोचू हमारे यहाँ भी कहा गया कि जिद जिद गोपी उतुत कान्हा तो अगर जहाँ जहाँ गोपियाँ तमाम काना हैं तो वो तो ग्रुप तो रहा होगा बिल्कुल रहा होगा यानी जमुना के तट पे ग्रुप डांस यकीनन हुआ होगा हुआ, हुआ, हुआ ही होगा है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से मेरे दिमाग में हुआ कि भाई अकेले तो ठीक है हम कथाकार हम कथा कहने वाले हैं पंडित जी तो अकेले भी कथा कह सकते हैं कि एक सखी थी वो जा रही थी जमुना के किनारे कृष्ण आए अचानक पीछे से आए उन्होंने आँचल खींच दिया हम कथा कह रहे हैं पर अगर वो सखी का रूप धर के सामने कोई है और कृष्ण की भूमिका में भी कोई है और वो पकड़ के खींच रहा है तो आम लोगों को जो साधारण है उनको समझ में आना आसानी है जल्दी कथक के बैले में और मॉडर्न डांस के के बैले में बहुत अंतर है या एक दूसरे का असर है उनके यहाँ ज़्यादातर लिरिक्स यानी डायलॉग नहीं रखते हैं और म्यूजिकली जो बीट्स हैं उसके ऊपर इशारा करते हैं म्यूजिकली hmm. आपके साथ आ, राउंड हो गया hmm. हमारे यहाँ जब तक कि शब्दों का सहारा ना ले ना जैसे पूरी रामायण hmm. या पूरा कुमार संभव शिव पार्वती hmm. तो उनकी गाथा अंदर से गाई जा रही है hmm. जो काम करने वाला है एक्टिंग वो तो वो कर रहा है hmm. तो हमारे यहाँ इस रूप से नृत्य नाटिका हो जाती है hmm. hmm. जिसमें म्यूजिकली कोई भी शब्द नहीं है hmm. म्यूजिक के जरिए फीलिंग्स हैं भावनाएं हैं और एक्शन चल रहा है अब कोई रो रही है। जी, जी, तो जी, उसमें हम कहेंगे कि अति तो होकर राधा वियोग में पड़ी है उसका गाना हो रहा है एक म्यूजिक है डायलॉग ना हो तो कहते हैं बैले पर नृत्य नाटिका जो है उसमें आपको शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है बिरजू महाराज केलुचरण महापात्रा मार्सल मार्सो माइम जी जी इनमें फर्क क्या है कथक जो नृत्य है इसमें एक सबसे जो बड़ी ख़ूबी है रोज़ की जिंदगी हम लोगों की आमतौर से जो हम देखते हैं कि एक पनिहारन गांव में पानी भरने जा रही है उसके हाथ में घड़ा है एक हाथ में घूंघट है और वो जा रही है पानी भरने जितना हल्का सा मोड़ बदन के अंदर है उतना ही वो कर रही है उसी चीज़ को जब ये लोग दिखाते हैं तो उस चीज़ के अंदर उसको बड़ा करके दिखाने का इनका यहाँ है तो ये बड़ा भारी अंतर है लेकिन अपनी अपनी जगह सभी बेहतर हैं और अपने अपने ढंग को निभा रहे हैं केलू बाबू का जहाँ तक ताल्लुक़ है काफ़ी ग्रेसफुल क्योंकि उड़ीसी के अंदर ग्रेस का काफ़ी यानी लाशे का बहुत बड़ा हिस्सा है तो जब भी मैं उनसे कहूँ कि भैया आप आज आप कृष्ण करो मैं राधा करूँ तो कि नहीं, नहीं नहीं मैं राधा ही करूँगा तुम कृष्ण करो क्योंकि उनको मालूम था कि उनके बॉडी के अंदर वो जो लोच है आ, बाल बनाना आ, फूल लगाना इत्यादि वो जो है उस उनके ऊपर बहुत सूट करता है ऐसे ही तो मैं कहूँ कि आप राधा करो मैं कृष्ण करूँगा तो वो डुएट सबको बड़ा अच्छा भी लगा और हमारे अंदर से ये भावना खत्म हो गई कि वो पुरुष है या मैं पुरुष मतलब कृष्ण और आदय दिखाई पड़ रहे थे हम दोनों को पुरुष और स्त्री का आजकल जो यूनिसेक्स चला हुआ है औरत के अंदर से औरतियत बाहर कर दीजिए और मर्द के अंदर से मर्दपन है वो खत्म हो जावे एक <laughs> अजीब किस्म की ये बाबा उससे आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं देखिए हमारे यहाँ तो चाचा हमारे कहते थे देखो तुम नचनिया नहीं हो यार अगर आप सड़क पे भी चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे अब तुम नचनिया थोड़ी हो तुम कलाकार हो का। कला को साधक हो कला के साधक हो नचनिया नहीं हो तो नचनिया नहीं बनना है कलाकार बनना है ये शुरू से कहते हैं जबरदस्ती आप मटक रहे हो क्या को मटक रहे हो अब स्त्री भाव जब करें तो जैसे घूंघट के ऐसा अच्छा खींच के रखे कि देखो हाथ में कुछ भी नहीं है कपड़ा नहीं कुछ नहीं लेकिन उस कपड़े को खींच के जब हम बंद करते हैं जिस वक्त यूँ पकड़ के यूं खोलते हैं और करके देखते हैं तो हसरत दिखाई पड़ती है शोखी दिखाई पड़ती है चंचलपना दिखता है सभी तो दिखता है तो हमारे यहाँ लेकिन साहब अब तो औरत साइंटिस्ट बन रही है इंजीनियर बन रही है लीडर बन रही है मुख्यमंत्री बन गई <laughs> स्टेट की अब जनाब उससे आप ये ये सब ये जितने भी रूप आपने दिखाए राधा के और गोपियों के <laughs> ये अगर आप उससे डिमांड करेंगे तो वो आपसे नाराज होगी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेरा अपना ये ख्याल है कि एक बार वो औरत जाग जाग जाती है चाहे कितनी बड़ी साइंटिस्ट हो चाहे सिपाही पुलिस हो दारोगा हो मिलिट्री की कैप्टन हो तो वो जादू है आपके पास बिल्कुल है <laughs> पर एक बार वो जब रात होती है और जिस वक्त उसके दिमाग में वापस आती है अपने काम से तो फिर से वो औरत एक दफ़ा अंदर अंदर कुदरती है एए, तु तु है वो कैप्टन जो बना है वो कोई और है वो मेरे क्यों कोई और है तुम तो तुम हो थोड़ी देर तो उसके दिमाग में आता है जिस वक़्त वो शीशे के सामने जाती थोड़ी देर के लिए तो औरत को देखती है थोड़ी देर भले उसके बाद चेंज हो जाए हर एक के अंदर ये भाव पैदा होगा और आदमी जैसे जो है अब वो जो बिल्कुल ही मुलायम हो गए तो उनको भी लगता है यार जरा देखो इधर देखो सभी मसल्स बना रहे हैं आजकल तो आजकल तो ऐसा चल रहा है हम लोग हरदम टोकते हैं लड़के, लड़के डांसर को खास करके तुम नचनियाँ नहीं हो हाँ ध्यान रखना सड़क पे कैसे चलोगे और औरत से क्या कहते हैं औरत से ये कहते हैं कि देखो ये कार्य जो काम है वो तो एक नौकरी है जॉब है लेकिन आखिर में तुम्हारे अंदर जो एक जागृति होनी चाहिए एक पुरुष के प्रति एक आकर्षण होना चाहिए जो मिलन का एक भावना होना चाहिए उसको ना खो देना फौज पलटन है औरतों की और वो जंग में जा रही हैं और आपको उनके अंदर एक एक औरत को जगाना है आप क्या भाव करेंगे आ, मैं मैं तो ये करूँगा कि एक तो ठीक है भाई आपका कार्य तो ये है कि आप बंदूक चलाएं या तलवार चलाएँ या कीर चलाएं जो भी है मैं तो समझूंगा कि वो एक तुम्हारे हाव भाव का हिस्सा बन गया है हाव भाव का हिस्सा बन गया पर हो तो तुम औरत <laughs> तो ये, तो ये तो कि देखिए हमारे लेफ्ट हिस्सा हमारा हरदम औरत का है जहाँ दिल है क्योंकि वो जब ढाल लड़ते हैं आदमी तो ढाल पहले बढ़ती है बचाने के लिए वो कौन है औरत है मारता आदमी है बचाती है औरत है तो माँ है आप धनुष में ये औरत बढ़त, बढ़ती पहले उसके कंधे पर आप तीर लगाकर मारते हैं देखिए क्या साथ है ये समझना चाहिए कि तुम्हारे कंधे पर तीर चला रहा पुरुष रोका है तुमने तो कितने महत्वपूर्ण हो तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो एक दोनों पहिए चाहिए भाई दोनों पहिए एक एक पहिए पे क्या करोगे सर्कस दिखाने सर्कस तो जाएगा। दोनों पहिए पे चलो सिनेमा के चक्कर में आप कहाँ हो कब सत्यजीत रे दादा जो थे कलकत्ते में उन्होंने वाजाये शतरंज के खिलाड़ी जी, 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 जी तो जी। उनको लगा कि भाई उस खानदान से जो उनका परिवार का बाबा दादा थे वो तो वहीं थे तो बिरजू महाराज को बुलाओ अमजद खान जी हम तो कहने लगे हमारे मतलब नवाब साहब के चेहरे पर सुकून पर से परेशान ना हो ऐसा नाच फीच करिए अच्छा भाई मुझे तो लगा था चांस मिला म्यूज़िक डांस का तो जोरदार कर देना आराम से सब भाव हो जाए ताकि नवाब बस सुरूर उनको शुरू हो जाए वैसे तो मैंने ये ठुमरी रखी थी काना में तुसे शाश्वती ने किया उसके अंदर सितार सारंगी जो पुरानापन था उसमें कोई वेस्टर्न रिजम का कोई साउंड नहीं था नीचे काला फर्श काला साइड केवल झाड़ लटके मैंने कहा ये तो आपने सब चारों तरफ काला कर का रखा है कहन भाई तुम्हारे हर बारीक नाखूनों की जुम्बिश भी पाऊंगी वो भी दिखाई पड़े लिहाजा मैं ऐसा वैसा सेट नहीं लगाऊंगा उनका जिस शाख में फल होते हैं, वो है। वैसे ही ये आदमी है कमला हसन बहुत ही मॉडेस्ट है ना बहुत आपको बहुत मानता बहुत मानते हैं जी और कह लगे हम तो चालीस साल बाद महाराज मुझे मिले तो बड़ा अच्छा भी लगा उनके साथ काम करने में एक मोमेंट को कहते थे महाराज प्लीज़ करेक्ट मी मैं रॉन्ग चीज़ नहीं करूँगा तो फीड भी अच्छा किया हाथ के एक्शन वगैरह सब उन्होंने समझे कल मैं सही वाला करना चाह रहा हूँ गलती क्या थी नहीं ये हाथ जो था ना ये वो ऐसे भरतनाट्यम में ये उठा रहता है उपा मैंने कहा देखो तुम्हारा फिर हो रहा है तो घटा दिया उन्होंने फिर से और वही पोस्टर पूरे साउथ में लगा था वह क्या विश्वरूप विश्वरूप जी माधुरी दीक्षित में बड़ा जादू मालूम होता है कि वो एम एफ हुसैन साहब ने उसको देखा और साहब वो बिल्कुल दीवाने हो गए लोग कहते हैं कि पंडित बिरजू महाराज एम एफ हुसैन की तरह नहीं लेकिन कोई ना कोई रिश्ता माधुरी दीक्षित से खास पैदा हुआ <laughs> अब यह कि वो आशिकाना था कि नहीं था ये मैं ना कहूँगा नहीं जी बिल्कुल नहीं आशिकाना नहीं कहिए उसको ये कहिए कि उस्ताद और शागरद का संबंध सैन फ्रांसिस्को में दो बार हमारा वर्कशॉप हुआ वहाँ पर वो आई और उन्होंने थोड़ा वहाँ सीखा जब सीख रही थी तब तो से तो तो पीछे खड़ी थी तो मैंने कहा नहीं तुम्हारे मूवमेंट तो अच्छे लग रहे हैं आगे आ जाओ भाई आगे आ जाओ तो ऐसे करके जुड़े हम लोग फिर यश चोपड़ा जी ने हमको बुलाया फ़ोन किया कि भाई एक पीस है माधुरी का तो मैंने कहा भाई गाने वाले भी तो नहीं ठीक ठाक हैं लेकिन गाना नहीं शाहरुख खान का ड्रम है उसके साथ पीस है मैंने कहा तब तो भज गए जब शब्द ही नहीं तो माधुरी ने बहुत अच्छा किया इंटरवल के पहले बहुत सुंदर है दिल तो पागल है मैं फिर उसके बाद इनकी ये मूवी आई अपने देवदास पूरी तरीके से तो उसमें उन्होंने पूरी ठुमरी बाबा की हमारे काहे छेड़ छेड़ मुए गरबा लगाई और उसकी जो शुरू की दो लाइनें थी वो मैंने गाई थी बाकी कविता कविता कृष्णा मूर्ति ने गाई बहुत ही तबीयत से छेड़ और भावरों का फूल पे गूंजना और ये करना और छे, छेड़ छेड़ यानी भावरा छेड़ रहा फूलों को वगैरह वगैरह काहे छेड़ छेड़ कभी युवा काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए हाँ को लाल ऐसो ढीठ बर बस मुरी लाज ले बिंद श्याम मानत नाही काशी कहूँ मैं अपने जिया की सुनत ना ही माई मतलब इस प्रकार से जो अंतरे थे जी, बहुत जी, और जी। खुद तसल्ली उनको नहीं होती थी कहती थी महाराज फिर से करूँ जी, जी तो फिर बैठ जाऊँ मॉनिटर पे और देख के कहें आपकी जैसा हुआ नहीं, नहीं।, नहीं। जी, मैंने कहा चलिए फिर से कर लीजिए तो बेहद लगन सादापन हीरोइन वाले नखरे नहीं साधारण जैसे घर का कोई होता है ये कटरीना कैफ वगैरह जो आजकल की जी जी, जी हैं इनमें ये हुनर नहीं है बहुत गहराई से जो कहते हैं कि हर हिस्से में रोम रोम में एक भाव करने के लिए आपको पैर के अंगूठे से लेके यहाँ तक जा, आपको ज्ञान होना चाहिए कि पैर का अंगूठा पड़ा तो उसकी खिंचाव से आपके बॉडी में क्या होना चाहिए जैसे ऊपर डांस ये होता है कि ये लाइन यूँ मार दो ये यूँ कर दो यहाँ से यूँ कर दो हिल जाओ तो वो अला आजकल प्रथा चल रही है अभी आजकल वो गहराई से जैसे मीना कुमारी या हमारी वहीदा रहमान जब लक्ष्मी महाराज का बहुत डायरेक्शन हमारे चाचा का कि पलक सिर्फ़ यूँ उठा के यूं देख लिया उसमें गजब हो जाता है उतने में ही गाव चौधरी के चांद में वहीदा रहमान ने सिर्फ यूँ पलट के बाल खुले हुए और धीरे से आँख खोली कि जैसे पंखड़ी खुल गई वो जो क्वालिटी उस वक़्त खूब दो थी वो अभी मुझे नहीं दिखती है तो अगर वो नहीं दिखती है तो वो नहीं दिखती जाएगी मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ अब जैसे कि अभी ये शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है ना सोनाक्षी शायद नाम मेरा जी, जी, जी उसके अंदर थोड़ी सी गुंजाइश दिख रही है थोड़ी सी शायद हो सकता है पकड़ में आ जाए <laughs> <laughs> अभी मुजफ्फर अली भाई की फिल्म की है मैंने रक्स एक गाना किया मैंने गज़ल की है जैसा मैंने कहा गज़ल हिंदी गाना है कौन सा गाना है इसे हाव भाव तो भाई इंसानियत इंसान का है कुछ भी एक बार फ्रांस में किसी ने कहा कि हुई यशोदा हुई कृष्णा मैं तो नहीं जानता मैंने कहा देखो ऐसा है अच्छी माँ सुंदर सी माँ प्यार भरी मोहब्बत के साथ अपने बच्चे को जो इतना सा है वो जिद कर रहा है उसके बाल खींच रहा है उसको पकड़ रहा है खाना मांग रहा है मैंने कहा तुम उसको कृष्ण क्यों नहीं कहते हो उस औरत उस को माँ क्यों नहीं कहते हो तो तुम काहे को दाम पे जा रहे हो माँ और बेटे का रिश्ता वो है यशोदा और कृष्ण और, और कुछ नहीं है तो ये कहते हुए हम हम लोग की पढ़न का एक हिस्सा हम पढ़ देते हैं जिससे मैं विदाई लूँगा कई शब्द ऐसे होते हैं हम लोग को बड़ी जुबान के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है किटे तक ताके तक धम किटे तक धेता अब देखिए इसमें दिशाएं दिख रही तक तान थे ता, तान के अंदर हम हम लोगों को बढ़ादान एक बरसात सुनाता हूँ छोटी सी धान 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 बादल कृतकदा कृतकृत कृत रहीं बिजली चमकी पानी बरसा टाटी ना धा धान 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 धानकदा कृतग कृतकृत राधे राधे गिरा धा इसमें आपको जुबान की जरूरत नहीं पड़ी बहुत मज़ा आया बहुत बहुत धन्यवाद मुन के लिए कहाँ जाना है